गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रियांस न्यूज। तो आधार पैन लिंक कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे आधार पैन लिंक। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर में आप देखो इनकम टैक्स का पेज है, या तो आप डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र में टाइप करोगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर जब क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा इस तरह का। तो आपको करना क्या है कि पेज जब पूरा ओपन हो जाए तो ऊपर में देखो एक मुंडी की तरह दिख रहा है, ये आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इसमें तो पहले आप रजिस्टर करोगे, अगर किए होंगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जब पेज ओपन होगा तो आपको अपना बेसिक डिटेल फिलअप करना है, जिसमें आपका पैन नंबर होगा और आपका डिटेल जो भी होगा वो क्लिक करना है। तो आपको देखो यहाँ पर पैन नंबर डाल करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला आ जाएगा आपको डिटेल फिलअप करने का। तो ऐसे ही जो जो डिटेल मांगेगा आप फिलअप कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप फिर लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए फिर से वही मुंडी वाले पे क्लिक करेंगे और अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम के जगह पैन नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हो। हमने पैन नंबर डाल के कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा और टिक करना है, जो ब्लैंक दिख रहा है उस पर आपको टिक करके कंटिन्यू करना है। अभी देखो हमने पासवर्ड नहीं डाला है इसीलिए नहीं लिया। तो पासवर्ड डाल के जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। और ये जो भी देख रहे हैं वो लाइव, मैं खुद आधार पैन लिंक कर रहा हूँ और लाइव पेमेंट करूँगा वो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये सारा डिटेल खुल जाएगा जिसके नाम से जो पैन होगा, और बीच में देखो आधार लिंक का ऑप्शन दिया हुआ, ये देखो लिंक। तो आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका पैन नंबर दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है। तो सिंपली आपको आधार नंबर इंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह का ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विथ ई पे, नीचे में ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पहले वैलिडेट फिर वो कंटिन्यू तो पे का ऑप्शन आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और वहाँ पर देखो न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। देखो ई पे टैक्स है ना, और वहाँ पर न्यू पेमेंट, तो आपको सिंपली न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपको सिंपली इनकम टैक्स वाले पे क्लिक करना। बहुत सारा टैक्स का पेमेंट परफॉर्मा दिया हुआ है, तो आपको सिंपली ऊपर पे देखो इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स पे आपको क्लिक करना है। इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपको 2024-25 क्लिक करना है, इसी में वो 23-24 का दिया गया है। तो सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे 500 करके होगा अदर, तो अदर वाले में जो 500 है उस पर हम लोग को क्लिक करना है, जिसको हम आपको दर्शा दे रहे हैं, ये नीचे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो आप किस लिए पेमेंट कर रहे हो, आपने लेट किया आधार पैन लिंक करने का, तो उस वाले ऑप्शन पहले नंबर पे है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे उसको सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और आपको करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो ये देखो आपको 1000 रुपया दिख गया और 1000 आपको पेमेंट करना है। तो फिर से कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये आपको दिखा दिया टोटल 1000। तो आपको करना क्या है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, UPI से करना चाहते हो, पेमेंट गेटवे से करना चाहते हो, जैसे चाहो आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी बैंक का अगर आप पेमेंट गेटवे चूज़ करो तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें अकाउंट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो चलो हम लोग डायरेक्टली पेमेंट गेटवे चूज़ करते हैं और उसके बाद ये सारा ऑप्शन है, मैं चूज़ करता हूँ स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे।
ऐसा नहीं कि अकाउंट मेरा उसमें है इसीलिए, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं स्टेट बैंक का चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो तरह का ऑप्शन आ जाएगा, एक आएगा UPI ID से या फिर आप QR को स्कैन करके पेमेंट करोगे। तो ये देखो हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये सारा डिटेल के बाद, और पे नाउ पे हम लोग को करना क्लिक। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन है, हम लोग ऊपर स्क्रॉल करके जब जाएंगे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा और आपको हमको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया स्टेट बैंक का। तो मैं नेट बैंकिंग नहीं UPI चूज़ करूँगा। अब UPI में भी दो तरह का ऑप्शन होगा, या तो आप QR से पेमेंट करो या UPI नंबर डाल करके पेमेंट करो, ये आपके ऊपर है। तो चलो आपको दिखाता हूँ नीचे में क्या ऑप्शन आया है। ये देखो QR VPA का मतलब आपको UPI नंबर डालना होता है, और QR मतलब सिंपली आपको QR कोड आ जाएगा। उसके बाद जब हम कंफर्म क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टाइमिंग रहेगा, ये QR रहेगा। तो अगर आपका वही मोबाइल में है फ़ोन पे गूगल पे तो डायरेक्टली वो फ़ोन पे या गूगल पे चला जाएगा, नहीं तो आप दूसरे मोबाइल से इस QR को स्कैन करके भी पेमेंट कर दोगे। तो मैं क्या करूँगा कि दूसरे मोबाइल से स्कैन करके इसको पेमेंट करूँगा, जो भी होगा वो लाइव आपके सामने में होगा, आप इसको देख पाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आगे का अपडेट दे पाएँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको QR को स्कैन करके पेमेंट करेंगे। तो मैं दूसरे मोबाइल से स्कैन कर ले रहा हूँ और उसके बाद पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद देखना आपको ये ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो मैं दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पेमेंट करने के बाद, ये देखो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, ये सारा डिटेल आ जाएगा, आप यहाँ से चालान डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, इसको तकरीबन 15 से एक महीना बताता है, 15 दिन से एक महीना, लेकिन 4 से 5 दिन में हो जाता है। तब तक क्या होगा, आप स्टेटस चेक करते रहना, ठीक है। उसी में जा करके आधार पिन लिंक चेक स्टेटस करके ऑप्शन आता है, उस पर जा करके आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो मैं लाइव आपके सामने छोड़ रहा हूँ, ऑप्शन आ रहा है कि नहीं चालान डाउनलोड करने का। तो ये मेरा आधार पैन लिंक हो गया, पैसा भी कट गया, हम चालान डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा। तो कल के डेट में हम ये स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि लिंक हुआ या नहीं हुआ। तो ज़्यादातर 99% चांस है कि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चालान को डाउनलोड कर सकते हो, बस इतना ही प्रोसेस था, सब खत्म। ये चालान हमने डाउनलोड किया, अब चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये चालान डाउनलोड हो गया। अब देखो ये चालान इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और इस तरह से आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।